दोस्तों, सगे कलंदर चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त रुफ़कार अली। दोस्तों, आज हम आए सैयद इब्राहिम शाह बादशाह के दरबार पर, जो दरिया सिंध सेवन में वाकई है। आइए तो आपको सैयद इब्राहिम शाह की इफ्तिखार करवाते हैं। सैयद इब्राहिम शाह का मज़ार दरियाए सिंध सेवन शरीफ में वाक़ है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नॉर्थ साइड पर सैयद इब्राहिम शाह के मज़ार वाक़ है। आप देख सकते हैं कि सामने ही दरियाए सिंध, अजीम दरियाए सिंध है, जिसके मंज़र आपको कुछ मैंने कैमरा में कैच किए हैं। और सैयद इब्राहिम शाह पाशाह एक बहुत ही कदीमी दरबार है, सैयद के दरबार को तकरीबन 400-500 साल हो गए हैं। और सैयद गार्डन का ये भी है, तो जब भी सैलाब दरियाए सिंध में आता है तो सैयद की दरबार को नहीं बहा पाता, सैयद की दरबार ऊपर हो जाती है, पानी नीचे साई के गुजरता है। इब्राहिम शाह बादशाह सलाम याली मदद अली मौला हैदर ओली हैदर। और सैयद फ़कीर भी कहते हैं कि जितने भी सैयद इब्राहिम शाह हैं, जितने भी सैयद इब्राहिम शाह के दरबार हैं, मज़ार हैं, वो पानी के किनारे पे रहें। इनको पानी का निगरान करके मुर्शद लाल ने बिठाया है हज़रत इब्राहिम शाह बादशाह को। सैयद की दरबार पर बहुत ही रूहानी थी, बहुत ही सुकून मिला हमें। हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि आपको मुशलाल सुकून से आबाद रखे, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में खुश रहें, शाद रहें। और सैयद इब्राहिम शाह बादशाह का सालाना उर्स 27 रजब को यहाँ के फ़कीर रहीम मल्ला लगवाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल सगे कलंदर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। गाँव में याद रखिए अपना।